जनपद फिरोजाबाद के नगर शुकाबाद क्षेत्र में आज शुकाबाद मैनपुरी रोड पर एक सब्जी विक्रेता को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि शुकाबाद थाना क्षेत्र के गांव चितावली निवासी अनिल पुत्र दीपचंद मैनपुरी रोड पर अपनी सब्जी की दुकान लगाकर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। जहां रोज की भांति अपनी दुकान खोलने के लिए मैनपुरी रोड पर आ रहा था, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात हमलावरों ने उसकी पीठ में गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं गोली की आवाज सुन स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सब्जी विक्रेता अनिल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने घायल को प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर कर दिया। वही अस्पताल में आए घायल के बेटे अश्वनी उर्फ छोटू ने बताया कि उसके पिता चिमनलाल फैक्ट्री के समीप सब्जी की दुकान लगाते हैं। वह आज सुबह रोज की तरह सब्जी की दुकान खोलने जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसके पिता को गोली मार दी। शिकवा से सचिन जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। सुबह 5 बजे दुकान के लिए निकल रहे थे, क्योंकि निकल भी आए थे मैनपुरी रोड से, गांव के लिए रास्ता है, गांव है चितावली, तो उस पर आ रहे थे, किसी ने इनके गोली मार दी है पीछे से। क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही है, क्या मामला? कोई रंजिश नहीं है सर जी, किसी से। कौन है ये आपके? हमारे पापा है। व्यक्ति यहाँ पे आया अस्पताल में अभी करीब 10 मिनट पहले, एक अनिल कुमार नाम सन और दीपचंद यहाँ पे आया हुआ था। उसने बताया कि अभी वो होश में है और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है उसको, लेकिन एहतियातन उसको जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया है। वो बता रहा था कि मैनपुरी रोड पे वो सब्जी लेने के लिए जा रहा होगा, उसके पीछे से उसको गोली मारी गई है। नहीं, अब किस तरह की हालत थी और क्या किया गया? अभी उसको यहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ठीक है, बात कर रहा है, होश में है, बाकी जिला अस्पताल में उसका उपचार होगा।